है, मुद्दे तो काफ़ी हैं, बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाज़ा को लेके, बिकॉज टोल प्लाज़ा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोवर प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पे कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पे कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूँ कि क्या ये सरोड टोल प्लाज़ा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाज़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप सब आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी में भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाज़ा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊँ, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स हैं। इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूँ क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाज़ा ऑन द सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड इन द सेम डायरेक्शन शैल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाज़ा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई कि 60 किलोमीटर में दो टोल प्लाज़ा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोवर से लेके बन टोल प्लाज़ा में बाई रोड 60 किलोमीटर्स नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाज़ा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज़ होगा उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर दो दो टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी दो टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी, और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो प्रॉपरली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में हैं।